राजनांदगांव और पूरे देश में छत्तीसगढ़ लोक गायकी और कला को पहुंचाने के लिए दाऊ मंदराजी को माना जाता है। दाऊ मंदराजी की खासियत थी कि वो किसी भी छत्तीसगढ़ी गीत नाटक को इतना अच्छा करते थे कि लोग उनको कई किलोमीटर से सुनने आते थे। आपको बता दें कि दाऊ मंदराजी की पुण्यतिथि पर कई वर्षों से कार्यक्रम किए जाते हैं। इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होंगे। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज के दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है, चाहे दाऊ मंदराजी की बात करें, खुमान साहू की बात करें, ऐसे अनेक कलाकार, अनेक ख्याति प्राप्त इस छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ है, जिसमें एक नाम था खुमान लाल जी का, दाऊ मंदराजी जी का, जिन्होंने वाकई में छत्तीसगढ़ की विधा को, खास करके नाचा, उस समय के नाचा ऐसा लगता था यदि 10 किलोमीटर दूर में तो लोग नाचा देखने जाते थे, नाचा को पसंद करते थे, उस समय के एक मनोरंजन था साधन नाचा का। तो सचमुच में दाऊ मंदराजी ने इस नाचक विधा को देश दुनिया में पहुंचाया है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि पद कहते हैं। मंदराजी का हम जयंती समारोह मना रहे हैं और ऐसे स्थान पर मना रहे हैं कि जो दाऊ मंदराजी की कर्मभूमि रही है। हालांकि उनका जन्म रवेली में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि कन्हायापुरी गांव रही है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर दाऊ जी बैठ करके रामायण गायन, सांगीतिक गतिविधि ऐसे नहीं किए होंगे। इस गांव के प्रति समर्पित था दाऊ जी। यहीं पढ़े पले हैं और यहीं सीखे हैं। इस गांव के एक विश्वकर्मा परिवार से ही हारमोनियम वादन करना सीखे, किकारा वादन करना सीखे और इस गांव के प्रति इसका ऐसा समर्पण भाव रहा और पूरा नाचा दुनिया में घूम घूम करके प्रदर्शन किए, उसके बावजूद उसका ठहराव इसी गाँव में हुआ करता था।